हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग कोस्ट गार्ड नाविक यूरो टूर 2023 इसका एग्जाम तो करवा दिया हम लोगों ने, मिलजुल के करवा दिया, ठीक है। और आपने मिलजुल के एग्जाम कर भी लिया, दे भी लिया। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, क्या होगी, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं। पहली बात तो सुनो, कान खोल के, नॉर्मलाइजेशन नहीं है इसके अंदर। कोस्ट गार्ड ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही। कोस्ट गार्ड इतना कभी कभी मतलब ऐसा ऐसा गलती करता है, बच्चों को आंसर की नहीं देता, आंसर की तो चलो एयरफोर्स भी नहीं देता, एटलीस्ट सबको मार्क्स भी बता दे, ये भी नहीं काम करता। जो पास है उनको तो बिल्कुल नहीं बताता, जो फेल है उनको खाली पता चलता है, लो भैया तुम्हारे इतने मार्क्स हैं। पास वालों को तो मार्क्स भी नहीं देता ये, जब मार्क्स ही नहीं देता पास वाले को तो नॉर्मलाइजेशन क्या करेगा, ये करके भी क्या करा देगा, तुम्हारे कितने हुए कितने हुए कुछ मतलब नहीं। यही तो क्लियर है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं है। और पास हो जाने पर नंबर भी नहीं पता चलता किसके कितने आए हुए यहाँ। रही बात कि अभी स्टेज टू की तैयारी करे कि ना करे, तो स्टेज टू में तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपको पढ़ लिख के नौजवान बन जाना है, यहाँ पे दौड़ 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 की तैयारी करनी है, तो दौड़ दौड़ की तैयारी में लगो यार। ऐसे भी दौड़ दौड़ोगे तो कौन है कि घट जाएगा मांस, 2-4 kg घटेगा, वापस से दौड़ खत्म होगा बढ़ जाएगा। तो मैं कहूँगा जितने लोग एग्जाम देख के आए हो, लग रहा है कि एग्जाम बहुत अच्छा गया है। और मेरी कट ऑफ, मैं भगवान नहीं हूँ पहली बात, मैं एक इंसान हूँ और मैं जो बातें करता हूँ वो पिछली पैटर्न को देखते हुए और अपनी थोड़ी सी एक्सपीरियंस है जो उसको शेयर करता हूँ यहाँ पे। बाकी कोई भगवान नहीं है यूट्यूब पे कि उसने कह दिया कितना कट ऑफ जाएगा तो उतना चल जाएगा। बात अलग है कि पिछले 2-3 साल से सेम चीज़ें हो रही है जो मैं कह रहा हूँ, बट जरूरी नहीं कि हमेशा हो। ये जो एक्सपेक्टेशन कभी कभार गलती भी होती है, तो ये चीज़ टारगेट नहीं कर लेना। धीरज भैया ने इतना कट ऑफ बताया था, वो चीज़ मेरे मार्क्स इससे कम बन रहे हैं, वो तो आपको पता भी नहीं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, फिर भी अचीव कर लोगे, मेरे मार्क्स इतने कम बन रहे हैं, अब मैं फेज टू की तैयारी नहीं करूँगा, तो वो बेवकूफ़ होता है वो इंसान। किसने क्या बोला डजेंट मैटर। एक चीज़ है, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आपको भी पता है कि मैं वीडियोस डिले बनाता हूँ, मैं सोचता हूँ सब कोई बना ले, मतलब बर्बाद कर दे बना के, उसके बाद मैं बताऊंगा। और वेट करने वाले करते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड स्टेज टू की। तो गाइज यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो को सीरियसली एकदम नहीं ले लेना, फाइनल कट ऑफ नहीं समझना इसको, आपको एक सेटिस्फेक्शन एक लाइन समझ लेना कि अगर इसके आसपास भी हमारे लग रहे कि हमने सही किया है तो स्टेज टू की तैयारी शुरू कर दो, या फिर नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी शुरू कर दो अभी से, बैठना नहीं है खाली पीली, ठीक है। यहाँ पे एज बहुत मिलते हैं। अब बात सुन लेते हैं हम लोग कितनी कट ऑफ जा सकती है। गाइज यहाँ पे हम लोग जो होता है ना कट ऑफ के बारे में जब हम बात करें तो 2-3 चीज़ें वैरी करती है। तो इस पर GD ND भी है, हैंड राइटिंग बढ़िया नहीं बैठ रही होगी बिकॉज मैं माउस से लिख रहा हूँ, पेन टैब का यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। तो GD ND की कट ऑफ क्या सकती है, तो सबसे पहले ये चीज़ मैं डायरेक्टली बात नहीं बोलूँगा, 2 चीज़ें क्लियर करूँगा। सेक्शन 1 हुआ था ना यहाँ पे सेक्शन 1 खाली हुआ था, तो सेक्शन 1 की जो पासिंग मार्क्स आपको पता है ना कितनी होती है, मिनिमम आपको कितना मार्क्स लाना होता है भैया, मिनिमम आपको 30 मार्क्स लाना होगा। अगर इससे कम नंबर लाते हो ना तो जिंदगी आपका नरक बना देंगे ये लोग, आपको मतलब वैल्यू ही नहीं देंगे, कुछ नहीं पूछने वाले हैं आपका क्या होगा क्या नहीं होगा, बस कहने देंगे साइड है, ठीक है। बिकॉज 30 से कम मार्क्स आपके तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बिकॉज इसका मतलब ये नहीं कि हम 30 नंबर ला दिए तो हमारा हो गया, यानी 30 से कम ला दिए तो फिर कोई वैल्यू नहीं है। अगर 30 प्लस भी ला दिए तो इसकी गारंटी नहीं कि आपका कट ऑफ पार हो जाएगा। देखो एक होता है पासिंग मार्क्स सेक्शन का, देखो यहाँ पे GD में सेक्शन 1 ठीक है एंड सेक्शन 2 होता है, आपको पता है ना, तो सेक्शन 2 तो सेक्शन 1 के 30 नंबर मिनिमम लाने होंगे और सेक्शन 2 में 20 नंबर मिनिमम लाने होंगे, तो कुल मिला के 50 नंबर तो ऐसे ही हो गया GD में। तो 50 से कम नंबर लाने वाले अगर दिमाग में आ रहा तो फिर वैसे ही कहानी खत्म है आपका। तो मिनिमम 50 मार्क्स तो आपको लाना ही है, और वो भी सेक्शनल कट ऑफ सेक्शन 1 में 30 मिनिमम और सेक्शन 2 में 20। यहाँ पे आप सोचते हो कि हम SC ST भी हैं तो 50 पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, सवाल ही नहीं बनता, ठीक है। और यहाँ पे किसी सोच रहा है कि हमारा 30-35 नंबर है तो हमारा सिलेक्शन होगा, सवाल ही नहीं है। वो जो मिनिमम क्राइटेरिया इनका सबके लिए है 30, शायद SC ST का कुछ कम है, मैं यहाँ पे याद नहीं कर पा रहा हूँ, शायद कुछ कम है, बट फिर भी हम एज्यूम कर सकते हैं कि 30 और 20 मतलब 50 मार्क्स तो मिनिमम आपको लाने होंगे, मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ क्या होगा, देखो मिनिमम 30 नंबर क्वालिफाइंग मेजर के साथ, अगर आपके 30 मार्क्स से कम आएंगे ना तो आपके डैशबोर्ड जहाँ पे आप लॉग इन करोगे आपको कट ऑफ भी नहीं बताएंगे कि कट ऑफ क्या गया, वहाँ पे शो ही नहीं करेगा, खाली बताएगा कि इतना पासिंग मार्क्स था और इतना आपने मार्क्स किया स्कोर, कट ऑफ क्या गया वो नहीं बताएंगे। हाँ एक चीज होता है कि मान लो सेक्शन 1 जिसने DB का फॉर्म फिलअप किया उसके मार्क्स आ जाते हैं 40, वो बंदा है मान लेते किसी भी कैटेगरी से, SC ST OBC UR EWS कुछ भी है वो, बट कट ऑफ चला गया मान लेते हैं ना आराम से 47-48 EWS मान लेते हैं उसको, 47 से 48 कट ऑफ चला गया, तब जाके उसका कट ऑफ शो करेगा कि आपने 40 स्कोर किया, कट ऑफ 45-47 गया है और आपका मिनिमम क्वालिफाइंग इतना था, बट फिलहाल के लिए आप शॉर्ट लिस्टेज नहीं हो बिकॉज आपके 40 कट ऑफ गए, 40 मार्क्स स्कोर किया।
तो आपको सिलेक्शन के लिए 47 लेना था, खाली लिख देगा कि हाँ आप पास तो हो लेकिन शॉर्टलिस्टेड नहीं हो स्टेज टू का, तो पास करके भी क्या उखाड़ लिया हमने, कुछ नहीं उखाड़ा ना, चाहे जीडी हो चाहे डीबी हो। तो यहाँ पे हमको कट ऑफ के ऊपर बात करना होगा। तो कुल मिला के देखा जाए ना, डीबी वालों अगर सुनो ध्यान से, अगर आप यूआर हो ओबीसी हो तो 50+ अगर है तो फिर कोई चांस है, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू मी यहाँ से नीचे जाने पर कोई वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस भी हो, मेरे अकॉर्डिंग में बात करूं आप आराम से 48 के आसपास आपको रहना पड़ेगा, इससे नीचे पे कुछ भी वैल्यू नहीं है। 48+ समझ लो मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स, मैं कह रहा हूँ स्टेज टू के लिए 48+ ही जा सकता है, कम नहीं, बिकॉज सीट्स का बंटवारा आप देख सकते हो, सीट ना के बराबर होती है डीबी में। अब इतना कम जाएगा, मेरे को तो 48 कम लगता है, फिर भी देखते हैं, मैंने आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट बता दिया 48 के अगर आसपास भी आपको लगता है आपने सही किया ईडब्ल्यूएस वालों स्टेज टू में लग जाओ, बिकॉज हो सकता है कि आपने जो तुक्का मारा उसमें से भी कुछ सही हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ओबीसी यूआर और यूआर कैटेगरी के बच्चों अगर आपको लगता है कि 50 क्वेश्चंस मिनिमम आपने सही किए हैं तुक्का उक्का लगा के, तो आप स्टेज टू की तैयारी कर दो, लग जाओ अभी से। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो अगर आपके मार्क्स 45+ बन रहे हैं, ध्यान से सुनना, 45 से 50 के बीच में अगर बन रहे हैं तो आप वो स्टेज टू की तैयारी शुरू कर दो। आई होप कि मैंने सब कुछ बता दिया, बट 50 स्कोर करके सिलेक्शन हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी तो कम होती है यूआर में और ओबीसी में, बट आपको स्टेज टू में जान लगाना, बिकॉज आपके मार्क्स नहीं बताएंगे। हो सकता है कि आप एज्यूम कर रहे हो कि हमारे 50 ही सही होंगे, बट आपको तो मार्क्स बताएंगे नहीं, हो सकता है कि आपके 53-54 सही हो जाएंगे, तो कब मार्क लगा दिए होगे, तो ठीक है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, आपका सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और हाँ, कोई भी धोखाधड़ी नहीं होता रिजल्ट में, पहली बात मैंने कई साल से देखा है, कोई भी धोखाधड़ी नहीं, बहुत ही फेयर तरीके से रिजल्ट बनता है कोस्ट गार्ड का। हाँ, एक गलती करते हैं कि वो मार्क्स नहीं बताते, बट फेयर तरीके से करते, वो मार्क्स कब बताएंगे, जब मेरिट लिस्ट आ जाती है ना फाइनल, उसके बाद सबके मार्क्स पता चल जाते हैं। तो ये तो डीबी का था, इतने स्कोर पे आपने तैयारी शुरू कर दो स्टेज टू की, स्क्रीनशॉट ले लो लेना है तो, बिकॉज मैं हैंडराइटिंग खराब है। अब मैं जीडी की बता रहा हूँ, जीडी वालों ध्यान से सुनो, पिछली बार भी अगर ईडब्ल्यूएस का बात कर लेना हम, तो ईडब्ल्यूएस का आपका गया था कट ऑफ 74 के करीब, तो इस बार भी लगभग आपको इसी के आसपास देखने के लिए मिलेगा, इससे कम नहीं, बिकॉज जीडी में इस बार कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ठीक है, कंपटीशन बढ़ा है। तो आप ईडब्ल्यूएस से अगर बंदे हो तो आराम से EWS ऐसे लिखना था ना, ऐसे, तो यही आसपास है। अगर आप OBC से हो, UR कैटेगरी से हो, 78 से 80 के बीच में अगर आपके स्कोर हो रहे हैं, लग रहा है कि सही किया हमने तुक्का उक्का मार के भी, तो आप स्टेज टू की तैयारी में लगो। और यहाँ पे हम SC ST के बच्चों के बारे में बात कर लें, अगर आपके ना 76 से लेके 70 के बीच में भी सही हो रहा, ठीक है, तो आप स्टेज टू की तैयारी में लगो। 76 से 70 के बीच में भी अगर आपके स्कोर हो रहे हैं तो आप फेज टू की तैयारी में लग जाओ, मैं तो यही कहने वाला हूँ। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि हमारे 77 ही सही हो रहे हैं, बट आपने ज़्यादा सही कर लिया, हम निगेटिव क्यों सोचा, सुनो, जब कल्पना ही करना है ना कि हमारे कम हो जाएंगे, तो बेवकूफ़ ही नहीं करना चाहिए, कल्पना पॉजिटिव में करना चाहिए, निगेटिव में नहीं। हो सकता है कि हमारे तुक्काबाजी चल नहीं रहे, तो हो सकता है कि हमारे स्कोर बढ़ जाए, भैया हम काहे गलत सोचे, अपने करियर के बारे में हम काहे गलत सोचे, वो तो बेहूदों लोगों का काम होता है, बढ़िया सोचो ना कुछ। और ध्यान से सुनो, तो मैंने ये चीज़ बता दिया, जिसका लग रहा है कि बहुत खराब एग्जाम गया इस बार, नहीं होगा आपको खुद से लग रहा नहीं होगा, तो आप अगली बार के लिए वैकेंसी के लिए 01/2024 की बैच की तैयारी शुरू कर दो। सेम बैच रहेगा, इसमें और क्लासेस ऐड की जाएंगी, तो इसकी प्राइस स्टिल 900 रुपये रहेंगे, जिसके अंदर सेक्शन 1 की होगी, GDB यांत्रिक तीनों की अगर तैयारी करना तो वो सेक्शन 1 की क्लासेस ज्वाइन कर लो इसको आप लोग, और इसमें और क्लासेस ऐड होते जाएंगे डे बाई डे, पहले से भी बहुत सारी क्लासेस हैं, इसको पढ़ो, सिलेक्शन आपका फिक्स है। और अगली बैच के लिए तो कुछ धमाका करने वाले हैं, अभी हम लोग पिछली बैच में फर्स्ट टाइम पेड बैचेस लॉन्च कर पाए थे, हम लोग उतना मैनेज नहीं कर पाए बढ़िया से, बट अगली बैच में तो हम लोग इस बार रॉक करने जाएंगे, बहुत अच्छा प्लानिंग करके चल रहे हैं, अभी से लग जाएंगे हम लोग, बिकॉज पिछली बार डिले हो गया था, हम लोग स्टार्ट ही जनवरी फरवरी से किए थे, तो फिर इतना कम टाइम में बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अभी से हम लोग स्टार्ट कर देंगे ना इसी चीज़ को, तो इसमें अभी बहुत जल्द लाइव क्लासेस वगैरह स्टार्ट होंगी, पहले से बहुत सारी रिकॉर्डेड क्लास हैं, तो इस बैच के 900 रुपये पे करके आप आराम से सेक्शन 1 की तैयारी करो, एप्लीकेशन पे टू जेड स्टडी ऐप पे, तो ऐप को डाउनलोड करो और तैयारी में लग जाओ। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा जानकारी अगर चाहते हो बैच के लिए तो व्हाट्सअप कर लो हमारे टीम को 72, ध्यान सुनना, 7279047787, ये 7787 है, 7 की मात्रा बहुत ज़्यादा हमारे व्हाट्सअप नंबर में, 7279047787 पे व्हाट्सअप करके पूछ लेना, जानकारी लेना किस तरीके से बाई करना। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, वीडियो क्लिक करके शेयर कर दो।